हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और छोटे बालों पे तो बहुत सारा हेयर स्टाइल मैंने बताया है, बट मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि लंबे बालों पे भी मैम हेयर स्टाइल बताइए। तो चलिए, आज का जो हेयर स्टाइल है वो लंबे बालों पे बता रही हूँ। एक रबर बैंड से बना लोगे एंड सबसे अच्छी बात कि आप जैसे सिंपल चोटी गूंथते हो उससे बहुत अमेजिंग अमेजिंग हेयर स्टाइल मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छे से कॉम करके एक रबर बैंड लगा लूंगी। ये डमी मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था और काफी अच्छे हैं इसके हेयर। ये मुझे 1100 रुपये में पड़ा था। तो आपको भी लेना है तो यहाँ पे टैग प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप ले सकते हो। तो अच्छे से पहले मैं इसको कॉम कर रही हूँ और यहाँ पे एक रबर बैंड लगा देंगे। बट इस पे दिया हुआ था कि हीट प्रोटेक्ट है, आयरन वगैरह इस पे काम करेगा, कर्ल्स वगैरह, बट नहीं करता है। तो आप जब लीजिएगा तो थोड़ा अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और इस पे सब एक चीज़ और अच्छी नहीं लगी मुझे कि ये जो डमी है इस पे एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं था या फिर रिटर्न का, तो मुझे ये यूज करना पड़ा। मैंने मैंने सोच के मंगाया था कि कर्ल वगैरह भी करके हो जाए इस पे, बट वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैंने एक पोनी बना ली है एंड जो इसकी हेयर की लेंथ है वो इतनी है, काफ़ी अच्छी है। एंड इसको आपको कैसे बनाना है वो देखिए ध्यान से। कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। जो इसकी चोटी है उसको आपको फोरमेट बनाना है। तो फोरमेट के लिए आपको 4 लेयर पहले डिवाइड कर लेना है हेयर को। 4 लेयर में करके 1 लेयर आपको यहाँ पे रख देना है एंड इसमें से 3 लेयर जो बचे हुए हेयर हैं उसमें से 3 लेयर निकालना है। जैसे हम लोग सिंपल चोटी गूंथते हैं वैसा ही। तो ये देखिए, ये 3 लेयर हो गए एंड ये वाला जो है वो हमारा 4 लेयर हो गया। अब जैसे सिंपल चोटी गूंथते हैं वैसे ही इसको गूंथ लेंगे एक बार। ओके, एक बार हमने गूंथ लिया। अब जो ये हमने यहाँ पे अटैच किया है उसको ओपन कर लेंगे और इसको ध्यान से देखिए। ये वाला जो हमारा लेयर है इसके यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके नीचे से लेके आएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। और फिर इधर वाला सिंपली इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, और इसको दोबारा से इसके नीचे से लेके जाएंगे और ऐसे रखेंगे। जिनके लंबे बाल हैं बट पतले हैं तो वो ये चोटी गूंथ सकते हैं, इससे उनकी जो चोटी है वो काफी घनी और खूबसूरत दिखेगी। ऐसे ही करते हुए पूरा एंड तक लेके जाएंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा हो। बहुत अच्छे से ये चोटी जो है वो बन जाएगी एंड तक। इसको बनाने के बाद से इसमें एक रबर बैंड लगा देंगे। यहाँ पे मैं एक रबर बैंड लगा रही हूँ। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा हो गाइस। एंड पार्ट पे एक रबर बैंड लगा देंगे। और इसी तरीके से चोटियाँ बना बना के, जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की चोटियाँ होती हैं, सब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अब इसको सिंपली आपको इस तरीके से राउंड राउंड घुमाना है एंड एक खूबसूरत सा लो बन क्रिएट करना है। उसके लिए आपने जो ये चोटी बनाई है इसको ऐसे फैलाएंगे एंड यू पिंस ले लेंगे। यू पिन की जरूरत पड़ेगी इसमें बहुत सारी अच्छे से अटैच करने के लिए, या फिर बॉबी क्लिप भी आप ले सकते हो थोड़ा और अच्छे से लुक आ जाए उसके लिए। और लॉन्ग टाइम आपको बनाए रखना है तो आप बॉबी क्लिप ही लगाइएगा। अच्छे से इसको अटैच करते हुए क्लिप की मदद से सिक्योर कर देंगे और ये बहुत खूबसूरत लगता है। एंड पार्टी फंक्शन में भी आप इसको बना सकते हो और बिल्कुल समझ भी नहीं आएगा लोगों को कि चोटी से बनाया हुआ है एंड काफी अच्छा एंड अट्रैक्टिव लगेगा ये। जहां जहां आपको लग रहा है पिन की जरूरत है वहां पे आप लगा लीजिएगा।
तो ऑलमोस्ट हमारा जो हेयर स्टाइल है, हमारा बन जो है वो कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए काफ़ी प्यारा सा खूबसूरत सा यहाँ पे बन हमारा बन के रेडी हो गया है, बिना किसी डोनेट बन के। कुछ भी हमने इसमें अप्लाई नहीं किया है एंड बहुत आसान तरीके से आपने ये वाला हेयर स्टाइल बना लिया है। और यहाँ से आप हेयर को थोड़ा थोड़ा सा खींच लेंगे ताकि क्राउन एरिया पे जो हमारा लुक है वो अच्छा सा आ जाए। तो कैसा लग रहा है आपको ये हेयर स्टाइल, ये देखिए वाह। तो आई होप कि पसंद आया हो। और कैसा लगा ये तरीका, बहुत ही इजी तरीके से आप ये बना सकते हो, साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। और भी इस तरीके की अगर हेयर स्टाइल चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम और भी खूबसूरत और इजी हेयर स्टाइल्स लेकर आ पाऊँ आपके लिए। तो आज का ये इजी खूबसूरत साड़ी के लिए लो बन हेयर स्टाइल था, जो कि लंबे बालों पे आप बहुत आसानी से बना सकते हो। एंड अगर आपको बन नहीं बनाना है तो आप जो रबर बैंड मैंने लगाया था उसको छोड़ देना है और सिंपली चोटी बना लेनी है, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा पतले हल्के बालों में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। बाय बाय।